सो हे गाइस, कैसे हो? तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज के वीडियो लेके। अभी मजा आएगा ना वीडियो, बहुत दिनों के बाद। तो आज हम लोग बनाने वाले शुगर केन फार्म। जी हाँ, बहुत ही ह्यूज शुगर केन फार्म बनाने वाले, और ये जो बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ह्यूज लेवल पे होने वाला है। अच्छा, लेकिन एक गलती होगी, मैंने ये वीडियो जो है बहुत दिन पहले से रिकॉर्ड करके रखा था, लेकिन बहुत दिन पहले से रिकॉर्ड करके रखने के वजह से मेरे स्टोरेज में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर क्या हुआ। वो पहले के जो वीडियो थे जहाँ पे मैंने सामान को कलेक्ट किया था, माप जो किया था कैसे मैं फार्म बनाऊंगा, तो वो सारे वीडियो करप्टेड हो चुका है। तो आगे से ऐसा नहीं होगा, इस बार के लिए माफ कर दो। नहीं और ये क्रीपर मेरा पीछा कर रहा है, तो मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मत भागना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही आना। तो आओ अपने फार्म की तरफ बढ़ते हैं, जा कहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले वही देखते हैं। तो देख लो, यहाँ तक मैं बना चुका था, यहाँ का भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो करेक्ट हो चुका था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने एक बेस स्ट्रक्चर बनाया था जो कि ज़मीन से थोड़ा ज़्यादा ऊपर था, देन उसके ऊपर एक बेस ब्लॉक दिया, देन उसके ऊपर पिस्टन, देन उसके ऊपर ऑब्जर्वर। बहुत ही टिपिकल फार्म है। अगर आप लोगों ने इससे पहले भी फार्म देखे होंगे शुगर केन के, या फिर बैम्बू के हो सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ सीधा ग्रो होता है, उन चीज़ में ही हम लोग ये सिंपल फंडा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसके ऊपर हम लोग स्टेयर्स रखेंगे। स्टेयर्स हम लोग क्यों रखने वाले, आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग माइनक्राफ्ट प्लेयर हो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। क्योंकि स्टेयर जो है वाटर लॉक हो सकता है, आपको पता ही होगा कि हम लोग स्टेयर्स में वाटर को होल्ड कर सकते हैं। तो इसी वजह से, और आपको तो ये पता ही होगा कि शुगर केन जो है बिना पानी के कहीं किसी भी डर्ट में जो है नहीं उगता। अगर उस पर पानी, उसके आसपास चार ब्लॉक के अंदर पानी नहीं होगा, तो आप लोग उस पर शुगर केन नहीं लगा सकते। देन इसके ऊपर एक बिल ब्लॉक लगाना है, और इसके ऊपर पिस्टन अच्छा कोई नूब नहीं बोलेगा, मैं लगा दूंगा। रुको भाई, एक और ट्राई करने दो। तुम्हारा भाई प्रो है यार, अरे लगा नहीं पाया इसलिए नूब बोलोगे क्या? तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है तो बहुत दिनों के मतलब छोड़ो। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ, देन हर एक चेयर्स के ऊपर जो है एक बेस ब्लॉक, देन यहाँ पे पिस्टन होगा। मैं एक ब्लॉक जो है थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक दिया। ओके नाइस, देन यहाँ पे मैं पिस्टन लगा दूंगा, 1 2 3, टोटल 4 पिस्टन हो गया। लेकिन एक और पिस्टन यहाँ पे होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ गया। ओके छोड़ो, बाकी का काम अभी कर लेते हैं। तो पिस्टन के पीछे एक एक ब्लॉक होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडस्टोन आने वाला है जो कि पिस्टन को पावर देगा। ठीक है, इसके ऊपर आएगा ऑब्जर्वर, देन इसके पीछे आएगा रेडस्टोन। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, देन रेडस्टोन को पावर देगा, और ये रेडस्टोन ब्लॉक को पावर देगा, और ये ब्लॉक पिस्टन को पावर देगा, जिससे कि शुगर केन हार्वेस्ट होगा। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेडस्टोन है। और ये देखो, यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगाना मिस कर दिया, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ओके कंप्लीट हो चुका है, ऐसा ही पूरा बनाना है। तो मैंने 3 साइड का अभी तक बना चुका हूँ, एक और साइड बाकी है। और इसको बनाने में सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। आप लोगों को हाइट का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, अगर नहीं भी हुआ होगा तो मैं जब पीछे जाके आपको दिखाऊंगा तब देख लेना। ओके, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने ये साइड भी बना दिया है। तो देखो, यहाँ पे पिस्टन लगा, मतलब सॉरी ऑब्जर्वर लगाना बाकी था। तो यहाँ पे हो चुका है, अभी हमें नीचे जाना है, क्योंकि मेरे पास जो है रेडस्टोन ख़त्म हो चुका है, रेडस्टोन मुझे लाना है। तो तुम्हारा भाई करेगा अभी वाटर बकेट। ठीक है, वाटर बकेट का, अरे तुम्हारा भाई प्रो है, अभी देखो यहाँ से सीधा छलांग मारूंगा और ऐसे वाटर ठीक है क्लिक नहीं हुआ, मेरा गलती नहीं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। ये भाई वाटर निकला ही नहीं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। ओके छोड़ो, कोई बात नहीं, अपने पे खतरनाक आर्मर है तो ज्यादा कुछ असर नहीं होने वाला हमें फॉल डैमेज का, क्योंकि फेदर फॉलिंग है हमारे पास। तो देख लो, अभी आपको हाइट का अंदाजा हो ही गया होगा कि ये फार्म जो है कितना ज्यादा ह्यूज है। ठीक है, तो आओ अभी हमें अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में जाना होगा रेडस्टोन लाने के लिए। इससे पहले भी मैं जाके रेडस्टोन ला चुका हूँ, लेकिन फिर भी कम पड़ रहा है। आप लोग सोचो, ऑब्जर्वर बनाने के लिए क्या रेडस्टोन चाहिए होगा? मेरे ख्याल से चाहिए होता है, इसीलिए जो है रेडस्टोन का कमी पड़ गया। मेरे पास बहुत ज़्यादा रेडस्टोन था। क्या छोड़ो, यहाँ पे हमें जो है ग्लास का ज़रूरत होगा, क्योंकि मैं जो है अपने फार्म को ग्लास से सराउंड करने वाला हूँ, ताकि ये ट्रांसपेरेंट रहे और अच्छे से दिखे। तो इसके लिए मुझे जो है, मैं इससे भी पहले भी देख सकते हो सैंड को मैं कुक करके रख, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब कुक करने के लिए रखे गया था, तो यहाँ पे फिर से रख दूंगा। तो ठीक है, यहाँ पे जितने भी ग्लास होते हैं सारे ग्लास को यहाँ पे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, और चलते हैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल की तरफ। तो रास्ता जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये सामने ही है,
तो हट के मतलब पैदल ही हम लोग जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा मेरा विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने का वीडियो, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखो यार, थोड़ा वॉच टाइम भी कंप्लीट करवाओ। नहीं 1K तो हमारे हो चुके हैं लेकिन वॉच टाइम बाकी है, जल्दी करवा दो ताकि मोनिटाइज भी हो जाए और मैं पैसा ही पैसा हो गया। थोड़ा मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए, समझ रहे हो आप, क्योंकि अभी से जो है फुल वीडियो आने वाला है, जो कि बड़े वीडियो होंगे, शॉर्ट्स तो आएगा ही लेकिन बड़े वीडियो भी आने वाले। तो ये रहा अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल और ये रहा अपने गार्ड जो कि अपने हॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी तक मैंने गेट नहीं बनाया, डार्ट से जो है इनको कवर करके रखा है, बाद में और भी करेंगे, अभी ख़त्म थोड़े हुआ है। तो यहाँ पे है विलेजर जो कि अपना क्लिनिक है जिससे हमें रेडिएशन मिलता है। तो देखो मैंने बोला था ना पहले ही मैं इससे ट्रेड करके गया था, तो इसने अभी तक ट्रेड रिफ्रेश नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और वेट करते करते मैंने थोड़े से आयरन गोलेम को गिराए ताकि मुझे थोड़े से आयरन मिल सके, क्योंकि ज़रूरत है क्रिस्टन बनाने के लिए। क्यों? तो ठीक है आयरन, तो इसने शायद ओके ट्रेड रिफ्रेश कर दिया इसने, लेकिन बहुत महंगा बेच रहा है, 1 से बेच रहा था लेकिन अभी 3 से बेच रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें लेना है, मजबूरी है तो लेना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, इससे ले लेते। ओके तो मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट कलेक्ट कर लिया और मैं आ चुका हूँ अपने बेस पे, और यहाँ पे बारिश हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों होना था बारिश। तो अभी वाटर बकेट से जो है मैं ऊपर जाऊँगा वाटर बकेट का यूज़ करके, तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा, तो चलो ऊपर चलते हैं। तो ऊपर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेता हूँ नीचे, क्योंकि इन डार्ट का ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने एक्स्ट्रा लगाया था इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाने के लिए, अभी तो इनका ज़रूरत नहीं है, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा तब फिर से बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, और यहाँ पे हर जगह पे मैं डर्ट फील कर रहा था। तो पहले जो मैं बता रहा था कि मैं डर्ट ही क्यों लगा रहा हूँ, मैं सैंड भी लगा सकता था, लेकिन सैंड जो है ग्रेविटी ब्लॉक है, अगर मैं यहाँ पे सैंड का यूज़ करता तो वो जो है नीचे गिर जाता, क्योंकि इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसीलिए मैं डर्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मल फार्म बनाते हो ज़मीन के अंदर मतलब ज़मीन के ऊपर, तो आप लोग सैंड का यूज़ कर सकते हो जो कि अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं इन्फिनाइट सोर्स बना लूँगा okay. जो कि मैं थोड़ा सा फास्ट मोशन में कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे। तो यहाँ पे एक बकेट और यहाँ पे दूसरा बकेट देके, मतलब दो बकेट से हम लोग जैसे बनाते हैं टिपिकल अपने इन्फिनाइट वाटर सोर्स, वैसे ही बना लूँगा, और जो भी स्टेयर्स है उनको हम लोग वाटर लॉक कर देंगे कुछ ऐसे जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और हर एक जो है यहाँ पे क्या कहते हैं स्टेयर्स को आपको वाटर लॉक बनाना पड़ेगा, वरना उसके सामने का जो डर्ट है उस पर आप लोग शुगर केन को नहीं लगा पाओगे। ठीक है, मैंने ये चीज़ नोटिस करके देखा, क्योंकि अक्सर क्या होता है अगर हम लोग ज़मीन के एक ब्लॉक पे पानी रखते हैं तो उसके आसपास के 4 ब्लॉक पे हम लोग क्रॉप उगा सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बोला था वीडियो में, लेकिन मैं रॉन्ग था, शुगर केन की तरफ ऐसा नहीं होता। शुगर केन में आपको जहाँ पे पानी है उसके एक ब्लॉक के अंदर ही शुगर केन लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं काम करते करते मुझे यहाँ पे फेंडरिंग ट्रेडर दिखा और इसके अंदर भी मुझे एक अच्छा ट्रेड दिखा, इसीलिए मैं यहाँ पे आया एमरेल लेने के लिए, और देखो मैं मुझे एमरेल मिल भी नहीं रहा था, तो यहाँ पे मुझे अपने एमरेल मिल गए और मैं इसको लेके गया और इससे जो है बहुत ही एक खास चीज़ ट्रेड किया, बोलो आप लोग, कमेंट करना अभी वीडियो को पॉज करके कि क्या हो सकता है। तो आओ देखते हैं वो जो था अपना क्या था इसका नाम, ओके मॉस ब्लॉक था, सॉरी मैं भूल गया था। तो मॉस ब्लॉक का भी जो बहुत ही ज़्यादा काम है, इससे हम लोग एजेलिया ला सकते हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ डार्क ओक के ट्री दिख गया, तो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत था डार्क ओक सैपलिंग का, क्योंकि इससे जो है डोर जो है बहुत ही ज़्यादा कूल बनते हैं, और आगे भी जो डोर से भी एक बहुत ही ख़तरनाक काम होने वाला था। और यहाँ पे मेरा जो है इन्वेंटरी फुल हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, अपने पे एमरल्ड की कमी नहीं होगा, क्योंकि शुगर केन फार्म हो रहा है, इससे जो है अनलिमिटेड शुगर केन आने वाला है, और फिर पैसा ही पैसा होगा, सही समझे आप लोग। तो यहाँ पे मैं सैपलिंग और जो भी मैंने मॉस ब्लॉक लिया था उनको फ़िलहाल के लिए रख देते हैं, और अभी तो अपना आप लोग कह सकते हो 70% काम डन हो चुका है। इसके बाद हमें ग्लास से कवर करना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो कोई बात नहीं, करना पड़ता है वीडियो के लिए। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना कि मुझे क्या क्या और इम्प्रूव करना चाहिए अपने वीडियो में। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा जितना भी गलती हो जाए तो थोड़ा सा माफ़ कर देना और सुधारने की कोशिश करना। नहीं तो देखो अपना फार्म कुछ इतना लंबा बना है, क्या इससे ज़्यादा लंबा मुझे बनाना चाहिए था? मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ा बनाना सही होगा, मैं डबल बना लूँगा अगर मुझे और चाहिए होगा था, लेकिन इससे डबल बनाना मेरे ख्याल से सही नहीं होता। तो अब इसको ग्लास से कवर करने की बारी आ जाता है, जहाँ पे ये तो आ जाता है अपना वाटर,
तो वाटर के पास से यहाँ पे से हम लोग अगर बिल्ड करेंगे तो नहीं, यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्डिंग ब्लॉक आ जाता है। तो थोड़ा सा साइड से करते हैं, यहाँ पे से हम लोग करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या गलती कर रहा था कि मैं एक भी ब्लॉक करके ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आके मैं सोच रहा था कि ऐसे बनाऊँ, फिर मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन उसे शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं। कुछ इतना ब्लॉक हम लोग लगा के देन कुछ हम लोग ऐसे बिल्ड कर सकते हैं, इससे जो है ये ज़्यादा फास्ट चुका है, ये मुझे लगा। आप लोग कमेंट करना कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट था कि नहीं। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया था, तो ये आखिर के कुछ ग्लास ब्लॉक हमने लगा दिए और कंप्लीट हो चुका है फ़िलहाल के लिए। अभी भी पूरा फार्म डन नहीं हुआ है। तो अभी जो है बीच में एक और वीडियो था जहाँ पे मैंने हॉपर का कनेक्शन किया था, वो वीडियो भी जो है करप्ट हो चुका है, इसीलिए जो है वो भी। और यहाँ पे देखो तुम्हारे भाई ने वाटर बकेट, और इस बार प्रो कमेंट हो जाना चाहिए भाई, प्रो वाटर बकेट प्लेयर, ठीक है। तो वाटर बकेट का ट्रिक आपको करके मैंने दिखा दिया। अभी यहाँ पे चाहिए होगा थोड़ा सा डोर ताकि ये अच्छा दिखे। ये देखो नीचे का भी जो स्ट्रक्चर तो मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन हॉपर सिस्टम का वीडियो जो है करप्ट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल हॉपर सिस्टम था, नीचे जहाँ पे से मैंने डर्ट क्लियर किया था, मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा, वहाँ पे मैंने सिंपली सारे हॉपर लगा दिए और मैं यहाँ पे खुद का ही डोर चुरा रहा था, क्योंकि क्या करे भाई, डार्क ओक वुड नहीं था मेरे पास, इसीलिए। तो दो डोर लेके आ गया मैं और यहाँ पे लगा दूंगा। कहाँ पे लगाए तो अच्छा रहेगा, मेरे ख्याल से मिडिल में ही अच्छा रहेगा डोर। तो मैं यहाँ पे हर तरफ ब्लॉक गिन लेता हूँ कि सही है कि ये मिडिल है। ओके, तो पूरा मिडिल तो नहीं है लेकिन मिडिल है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दो डोर लगा दिया और भाई कंप्लीट। डार्क ओक वुड का डोर जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने लगाया, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसके हैंडल में जो है थोड़ा सा गोल्ड गोल्ड दिखता अच्छा है, शायद ये गोल्ड ही होगा लेकिन यूज़ नहीं होता, मतलब बनाने में गोल्ड यूज़ नहीं होता, फिर भी गोल्ड आ जाते हैं इसीलिए कूल है। और यहाँ पे देखो एक हॉपर है और इतने सारे शुगर कैन कलेक्ट भी हो गए जब तक मैं फार्म बना रहा था पैसा ही पैसा होगा तब तक। तो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट फार्म है मुझे तो लगता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियो, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल फार्म था, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं था, कुछ ज़्यादा रेस्टोरेंट का झमेला भी नहीं था। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया है तो वायरल करवा दो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।